आस्था की गूंज, अयोध्या के राम मंदिर की एक कहानी। एक समय की बात है, सरयू नदी के शांत तट पर धर्मभूमि अयोध्या में प्राचीन पेड़ों के बीच राघव नाम के एक साधु रहते थे। वह पूरे शहर में अपनी बुद्धिमत्ता, भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति और समय की धुंध में झांकने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर समय की छाप थी और उनकी आंखों में युगों का ध्यान था। एक दिन जब डूबते सूरज की सुनहरी छटा ने आकाश को रंग दिया, आरव नाम का एक जिज्ञासु बालक साधु राघव के पास आया, जिसका दिल अयोध्या के राम मंदिर के इतिहास के सवालों से भरा हुआ था। आरव ने कहा, बाबा, मुझे अयोध्या में पहले राम मंदिर के बारे में बताइए। क्या यह उतना सुंदर था जितना वे कहते हैं? यादों का सैलाब उमड़ते ही राघव की आंखें चमक उठीं। वे कहते हैं, आह, राम जन्मभूमि मंदिर, यह देखने लायक था बालक। सतयुग की महिमा में तैयार किया गया यह भगवान राम की दिव्य उपस्थिति के प्रमाण के रूप में खड़ा था। राम जन्मभूमि मंदिर केवल एक संरचना नहीं थी, यह दैवीय कृपा और वास्तुशिल्प चमत्कार का प्रतीक था। मंदिर स्थल के चारों ओर की हवा पवित्र कंपन से गूंजती हुई प्रतीत होती थी। दिव्य प्राणियों, देवताओं और रामायण के दृश्यों की जटिल नक्काशी से सजी ऊंची मीनारें स्वर्ग की ओर उठीं। दीवारों पर भगवान राम की वीरता, ज्ञान और करुणा की कहानियां उखेरी गई थीं। प्रत्येक मूर्ति महाकाव्य गाथा का एक अध्याय बयान करती थी। राघव के शब्दों के माध्यम से मंदिर की भव्यता की कल्पना करते हुए बालक आरव की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जैसे ही कहानी सामने आई, उन्होंने आरव को सुदूर युग में ले जाकर इतिहास बताया। राघव ने 1528 में घटनाओं के उथल पुथल भरे मोड़ का वर्णन किया। संत राघव कहते हैं, निर्दयी बाबर की सेना, उसकी विजय ने अयोध्या में दुख ला दिया। राम जन्मभूमि मंदिर, जहां भगवान राम स्वयं चले थे, एक दुखद भाग्य का सामना करना पड़ा। मैंने इसे देखा बालक, मंदिर मलबे में तब्दील हो गया। राख से अवैध निर्माण का जन्म हुआ। एक अलग समय का प्रतीक, वह उस मैदान पर खड़ा था जहां एक बार जन्मभूमि मंदिर फला फूला था। बालक आरव, जो वीरता और बहादुरी की कहानियां सुनने के लिए उत्सुक था, आरव ने कहा, बाबा जी, क्या आप मुझे आक्रमणकारियों से राम मंदिर की रक्षा करने में अयोध्या के लोगों की बहादुरी के बारे में कहानियां बता सकते हैं? राघव की आंखें यादों से चमक उठीं, जब वह एक ऐसी कहानी पर आगे बढ़ रहे थे जो इतिहास के पन्नों में गूंजती है। राघव कहते हैं, एक समय था जब अयोध्या की पवित्र भूमि को एक काले खतरे का सामना करना पड़ा था। औरंगजेब की सेना एक अलग आस्था से प्रेरित होकर राम मंदिर के पूजनीय मैदान पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने निहंग सिखों के वीरतापूर्ण प्रयासों, नीली पोशाक में सजे और अपने पारंपरिक हथियार चलाने वाले भयंकर योद्धाओं का वर्णन करते हुए एक ज्वलंत चित्र चित्रित किया। भगवान राम के भक्तों ने मुगल आक्रमण के खिलाफ मंदिर की रक्षा करते हुए बेजोड़ बहादुरी का प्रदर्शन किया। बहादुरी और साहस के प्रतीक निहंग सिख औरंगजेब की सेना के अत्याचारों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में खड़े थे। राघव ने बताया कि कैसे सिखों ने बहादुरी से पवित्र भूमि की रक्षा की, विपरीत परिस्थितियों में उनके अटूट संकल्प और अयोध्या के प्रतिष्ठित मंदिर की पवित्रता की रक्षा के लिए उनके अथक प्रयास किए। राघव कहते हैं, वे निडर होकर लड़े। उनकी लड़ाई की चीखें अयोध्या की सड़कों पर गूंज रही थीं। उस भूमि की रक्षा करने का उनका दृढ़ संकल्प, जहां भगवान राम की दिव्य उपस्थिति अनगिनत आत्माओं द्वारा प्रतिष्ठित थी। भगवान राम के भक्तों ने मुगल आक्रमण के खिलाफ मंदिर की रक्षा करते हुए बेजोड़ बहादुरी का प्रदर्शन किया। उनका साहस समय समय पर गूंजता रहा और आने वाली पीढ़ियों को उनके अटूट समर्पण से प्रेरित करता रहा। जैसे ही राघव ने कहानी सुनाई, विचारधाराओं के टकराव और अत्याचार के खिलाफ खड़े बहादुर सिख योद्धाओं की कल्पना करते हुए बालक आरव का मन अन्याय और उन भक्तों की बहादुरी से जूझ रहा था जिन्होंने अपनी पवित्र मंदिर की रक्षा के लिए अपना सब कुछ जोखिम में डाल दिया था। इतने सारे लोगों की आस्था और भक्ति का प्रतीक होने के बावजूद विनाश का सामना करने वाले मंदिर के लिए छोटे बच्चे को दुख की अनुभूति हुई। संत राघव ने धीरे से आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इतिहास में कभी कभी ऐसी ताकतें होती हैं जो दूसरों की मान्यताओं और मूल्यों को चुनौती देना चाहती हैं।
ऐसे समय में ही लोगों का साहस और अटूट विश्वास सबसे अधिक चमकता है। निहंग सिखों और अन्य राम भक्तों का बलिदान शहर के इतिहास में वीरता का एक अध्याय लिख गया। उन्होंने उस भूमि की रक्षा की जहां भगवान राम की विरासत पनपी थी, इसे अपवित्र होने से बचाया। साल बीतते गए, पीढ़ियों ने अयोध्या के बदलते परिदृश्य को देखा। राघव, जो अब एक बूढ़े संत हैं, उन्हें दशकों से चले आ रहे अयोध्या विवाद की गूंज याद आ गई। राघव कहते हैं, अशांत समय, पूजा के उचित स्थान के लिए संघर्ष हमारे राष्ट्र के ताने बाने पर एक घाव है। जैसे जैसे समय बीतता गया, संघर्ष जारी रहा। ब्रिटिश शासन के तहत भी अयोध्या के लोग भूमि को पुनः प्राप्त करने और राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए अपनी कानूनी लड़ाई में लगे रहे। अयोध्या की भावना कभी नहीं डिगी। उनका अटूट विश्वास और दृढ़ता आशा की किरण बन गई, जो भगवान राम और उनके भक्तों के बीच अटूट बंधन का प्रतीक है। फिर 1992 का निर्णायक क्षण आया। राघव की आंखों में उदासी और इस्तीफे का मिश्रण था। राघव धीरे से कहते हैं, जिस दिन अवैध निर्माण गिरा, यह सिर्फ ढांचा नहीं था बल्कि अशांति भी थी। इसके बाद जो हंगामा हुआ, उसकी गूंज इतिहास के पन्नों में गूंज उठी। राघव की आवाज आशा से भरी हुई थी। राघव कहते हैं, फिर भी न्याय की जीत हुई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। अयोध्या में भावनाओं की लहर देखी गई, राहत, खुशी और एकता की लालसा। अब 2024 में जब भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, राघव और बालक आरव निर्माण की हलचल के बीच बैठे हैं। बूढ़े साधु की आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं। राघव कहते हैं, हम इतिहास देख रहे हैं मेरे बच्चे। विश्वास का पुनरुत्थान, एक प्रतीक का उदय जो समय से परे है। 22 जनवरी 2024 को जैसे ही भोर की किरणें अयोध्या को रोशन करने लगीं, नए और भव्य राम मंदिर के दरवाजे फिर से खुल गए। राघव और बालक आरव भक्तों के समुद्र के बीच खड़े थे, सहस्राब्दियों तक फैली एक गाथा की परिणति को देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, मंत्रों की गूंज हवा में भर गई जो अतीत को वर्तमान के साथ मिला रही थी। राघव ने बालक आरव की ओर देखा, उसके होठों पर मुस्कान आ गई। राघव कहते हैं, तुम देखो मेरे बच्चे, विश्वास कायम है और इसका सार हर ईंट में भगवान राम को की गई हर प्रार्थना में रहता है। खुशी के जश्न के बीच राघव को तृप्ति का एहसास हुआ। उन्होंने समय के साथ मंदिर की यात्रा देखी थी और अब बालक आरव की उत्सुक आंखों में उन्होंने एक ऐसे भविष्य का वादा देखा जहां अयोध्या के राम मंदिर की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहेगी। तो आइए फिर से कहते हैं, जय श्री राम। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो पर कोई कॉपीराइट नहीं है। यह सामाजिक और जागरूकता उद्देश्यों के लिए उपयोग और वितरण के लिए खुला है। धन्यवाद।